हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका बेसिक। बेसिक में सबसे पहले आता है टॉपिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड होता है, ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, ट्रिगोन और दूसरा वर्ड होता है मैट्रोन। ट्रिगोन मतलब ट्राइंगल और मैट्रोन मतलब मेजर। ओके, अगर मैं इसके ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर मीनिंग की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हो गया मेजरिंग साइड और एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल्स को मेजर करना मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये सही से नहीं बना, इसको बना देता हूं। ओके, ट्राइंगल्स की साइड्स या एंगल्स को मेजर करना मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास इस चैप्टर में आने वाला है, वो होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है साइन और जिसका पूरा नाम होता है साइन। फिर होता है कोस, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन। फिर होता है टेन, इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, पूरा नाम होता है कोसिकेंट। ओके, कोस का पूरा नाम, कोस का अपोजिट होता है सेक और इसका पूरा नाम होता है सिकेंट। फिर आता है टेन, टेन का अपोजिट होता है कॉट और कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। ओके, अब जो हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रायंगल में रखता है जो ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ओके, समझिएगा, दैट इज कॉल्ड एंगल थीटा। यहां पर एंगल जो है उसको मैंने मान लिया थीटा। वैसे एंगल 30 डिग्री 40 50 कुछ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे कितना लिया है, थीटा ले लिया। देखो, दोबारा बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज किसी और ट्राइंगल में नहीं लगा सकते। ओके, अब सबसे पहली बात, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। जहां पर भी एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस, जो तीसरा बचेगा दैट इज कॉल्ड बेस। क्लियर? एक केस ऐसा भी हो सकता है कि एंगल यहाँ हो, तो मीन्स एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो तीसरा बचेगा वो बेस। अब जो हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, समझिए। साइन थीटा का रेशियो का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, कोस थीटा का होता है डी बाय एच, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय डी। अब साइन का अपोजिट होता है कोसेक। देखो, मैंने यहाँ पे पहले एक वर्ड यूज करा गया था, अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक, मतलब इसको पलट दो, मीन्स इसका हो गया रेशियो का फॉर्मूला एच बाय पी। ओके, कोस का होता है सेक थीटा, इसका होता है एच बाय बी, और टेन का होता है कॉट, इसका होता है बी बाय पी। क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अब हमें कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखेंगे पढ़ेंगे। साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन इक्वल टू वन, मतलब साइन थीटा के जितने भी आंसर्स होते हैं या तो वो माइनस वन हो सकता है या वन हो सकता है या उसके बीच में। सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो, साइन थीटा का आंसर या तो माइनस वन हो सकता है या वन या इसके बीच में हो सकता है। कहने का मतलब है मेरा साइन थीटा का कोई आंसर आया 2.4, तो 2.4 यहाँ कहीं आता है, इस रेंज के अंदर नहीं आता है, तो मतलब 2.4 साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर? चलो अब यही सेम रिजल्ट यहां पर भी एप्लीकेबल है कोस थीटा के लिए भी। आपके सिलेबस में बस अभी इतना है, कोस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन इक्वल टू वन, मतलब कोस थीटा का आंसर भी सबसे छोटा आंसर माइनस वन होगा, सबसे बड़ा आंसर वन होगा, बाकी सारे इन दोनों के बीच में ही आ सकते हैं, इसके बाहर नहीं जाएगा। ना इधर का कोई आंसर ले सकते हम, ना ही इधर का कोई आंसर ले सकते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कोई कोस थीटा का कोई आंसर माइनस टू आता है तो माइनस टू यहाँ कहीं आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद आपको कुछ वैल्यूज और ध्यान रखनी पड़ेगी। रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.7231, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रूट फाइव की वैल्यू होती है 2.236, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रूट सेवन की होती है 2.645। ओके, इन वैल्यूज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, इसकी हेल्प से कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब उसके बाद आते हैं, अब हमें एक टेबल पढ़ना है जिसको नाम दिया जाता है ट्रिग्नोरेशियो टेबल। ओके, यहां पर हमें कुछ बेसिक एंगल दिए जाएंगे। अब देखो मैंने एक शब्द यूज करा है यहाँ पर, बेसिक एंगल, दैट्स मीन समझना पहले छोटी सी बात, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, बस हमें इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू ही एंगल ही फाइंड आउट करना है, और बाकी तीन का हम ओके ट्रिक लगा के फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहली बात, हमें सिर्फ बेसिक एंगल का ही यूज करना है, मीन्स 30, 0, 30, 45, 60 और ये लास्ट वन इज 90 डिग्री। ओके, ऐसा नहीं है कि 0, 30 मतलब इनके बीच में एंगल्स नहीं होते हैं, इनके बीच में इनफाइनाइट एंगल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0, 30 के बीच में इनफाइनाइट एंगल है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2.1 डिग्री, तो हमें वो सारे एंगल्स नहीं लेने, हमें सिर्फ इन्हीं एंगल्स के ऊपर काम करना है। क्लियर? अब सबसे पहली बात, छोटे से दो बेसिक ध्यान रखने पड़ेंगे। एक 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी बोले तो नॉट डिफाइंड। ओके, और एक होता है 0/1, मीन 0 को मैं बोल सकता हूँ 0/1, और 0/1 विच इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, 0/1 को 0 ही बोल सकते हैं हम। क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इधर आ जाते हैं, समझना सबसे पहले। देखो मैंने ये वैल्यूज कैसे याद करी है, मैं आपको थोड़ा, बेसिकली जो नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, तो पहले मैंने इनको फिल करा, 0, 1, 0, 1, 0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इक्वल टू 1/0। ओके, फिर यहां पर आ जाते हैं 1/2, 1/√2, √3/2, फिर ये इधर आ जाएगा √3/2, 1/2, और बीच वाला बीच में ही रहेगा। क्लियर? फिर यहां पर आएगा 1/√3, ये हो गया 1 और ये हो गया √3। अब हमने सीखा था साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो यहां पर लिख दिया कोसेक थीटा, और कोस का अपोजिट होता है सेक। और टैन का अपोजिट होता है कॉट। अब समझते हैं, देखो सबसे पहले हमें नंबर को क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। अगर 0 को मैं बोल सकता हूँ 0/1, 0/1 बोला, इसका रेसिप्रोकल कर दिया मतलब पलट दिया, तो कितना आ गया 1/0।
जीरो, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। हमने सीखा था 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये नंबर पहले से ही फ्रैक्शन में है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको बस पलट देना है। पलटेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2/1, और 2/1 मतलब होता है 2। ये नंबर भी पहले से ही फ्रैक्शन में है तो कुछ नहीं करेंगे, पलटेंगे तो कितना आएगा, रूट टू। इसको पलटेंगे 2/√3। इसके नीचे 1 लगाया है, देखो 1 के नीचे 1 लगाएंगे तो कितना होगा, 1/1। उसको पलटेंगे तो कितना है, 1/1, और 1/1 बोले तो 1 ही होता है। ओके, अब यहां पर आ जाते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, पलट दो तो 1/1 बोले तो 1। ओके, इसको पलटेंगे 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2 आएगा, इसको करेंगे ओके रेसिप्रोकल तो 2 आएगा। अब देखो इसके नीचे 1 लगाएंगे और पलटेंगे तो आंसर आएगा 1/0, और 1/0 मीन्स नॉन डिफाइंड। अब बारी इसकी, इसके नीचे 1 लगाया और पलटा तो आया आंसर 1/0 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। इसको पलटेंगे तो √3, इसके नीचे 1 लगाया और पलटा तो 1/1, 1/1 मीन्स 1 ही होता है। इसके नीचे 1 लगाया और पलटा तो कितना हो गया, 1/√3 हो गया। अब देखो ये 1/0, इसको पलटेंगे तो कितना आएगा, 0/1, 0/1 मीन्स 0, 0/1 मीन्स 0। क्लियर, चलो बेसिक इतना ही है पहली एक्सरसाइज के लिए। अब सीधा आते हैं हम एक्सरसाइज पर। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ओके ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बीसी दिया 7 सेंटीमीटर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आराम से समझिएगा, देखो सबसे पहला ऐसा करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। चलो बन गया, 90 डिग्री किस पे दिया रखा है, बी पे दे रखा है। एक को ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं सी, कौन कितना दिया, ए भी दिया 24 सेंटीमीटर और उसके बाद बी सी दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये वाली साइड नहीं पता तो इसको मैं मान लेता हूं एक्स। सबसे पहले कर लेते हैं अप्लाई पाइथागोरस, मतलब सबसे पहला काम होगा कि तीनों साइड निकाल लो, उसके बाद काम करेगा आगे। अब देखो पाइथागोरस में हम लोगों ने ये सीखा था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर के कितना बना, रूट 7 का स्क्वायर 49 है और ये होगा 576। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 625, और 625 का जो रूट होता है विच इज इक्वल टू 25। क्लियर, ओके, तो अपने को पता चल गया एक्स की वैल्यू 25 सेंटीमीटर निकल गई। क्लियर, अब आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले पहले पॉइंट में बात करते हैं, पहले पॉइंट में हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक तो निकालना है साइन ए, ओके साइन का रेशियो का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, अच्छे से समझेंगे। ओके, सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि एंगल क्या है, एंगल है तो अपन लोगों ने सीखा था एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 7, और 90 के सामने वाला होता है बेटा हाइपोटेन्यूस, और एक्स कितना है 25। फिर इसी का सेकंड पॉइंट कोस ए, सबसे पहले अपन लोगों को फोकस करना है इसके एंगल पर, एंगल के सामने वाला परपेंडिक सॉरी इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है बी बाय एच, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो मेरे को मिल गया कितना है 25, और बेस कितना है 24। क्लियर, अब सेकंड पॉइंट ऐसा करता है, सेकंड पॉइंट के लिए फिगर दोबारा बना लेते हैं। ये कितना था 7, ये था सी, ये था बी, ये था ए, ये था एक्स, ये था 24 सेंटीमीटर। हाँ, इस बार अच्छे से देखना और बताना, इस बार एंगल जो है ना क्या है, ये रहा, एक तो मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन सी की, एक निकालनी है कोस सी की। साइन का फॉर्मूला तो वही होता है पी बाय एच, और इसका होता है बी बाय एच। ओके, ये रहा एंगल, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो अपने को मिल गया 24, क्योंकि एंगल यहाँ पर सी है, एंगल के ऊपर सबसे पहले फोकस होना चाहिए। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, बोले तो एक्स, और एक्स की वैल्यू
अपन लोगों के पास कितना है 25, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 25। चलो अगर मैं यहाँ पर देखो h तो मेरे को अभी मिल गया है 25, वहीं से चीटिंग कर ली। अब दोबारा से माना एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो तीसरा क्या बचा बेस, तो बेस कितना है 7। ओके एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपने सामने और फिगर भी दी हुई है। ओके चलो समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी कि अगर हमें तीसरी साइड नहीं दी तो उसको मान लेते हैं हम एक्स। ओके और यहां पर कर लेते हैं अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या पड़ी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू रूट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, 6 में से 4 गया तो 2, बट दैट इज कॉल्ड 5। एक्स की वैल्यू निकल गई हमारे पास 5। अब आ जाते हैं इधर, टेन पी माइनस कॉट आर। ओके अब टेन का एंगल अच्छे से ध्यान देखो। पहली बात, टेन की जो रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। इसका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉट का होता है, सॉरी गलत बोल दिया, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, सॉरी मिस्टेक हुआ, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बट एक चीज ध्यान रखनी है अच्छे से, क्योंकि एंगल डिफरेंट है दोनों। ओके ये तो सिर्फ मैंने इसके फॉर्मूले बताए, इनके फॉर्मूले ये होते हैं। अब बात करते हैं टेन की। ओके एंगल क्या है पी, पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको पी की तरफ से पढ़ना है। एंगल क्या है, सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना हो गया, जिसका नाम क्या है पी क्यू। ओके इस बार देखना एंगल क्या है, आर है, यहां से पढ़ना है, वो हमें यहां से पढ़ना है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो अपने को परपेंडिकुलर कितना मिल गया, जिसका नाम है पी क्यू। ओके 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना हुआ इस बार क्यू आर। अच्छे से देखना ये पूरी वैल्यू से माइनस होगी, फाइनली आंसर आ गया हमारे पास जीरो। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ए इक्वल टू 3/4, दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए, कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी। सबसे पहली बात, साइन का फॉर्मूला होता है 3/h, हाइपोटेन्यूस 4 मिल गया, परपेंडिकुलर 3 मिल गया अपने को। यहां बना लेते हैं ट्राइंगल। चलो ये दे दिया एंगल का नाम ए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो मतलब 3 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस ये कितना है 4, तो बेस नहीं पता है तो क्या लिख लिया एक्स। तो यहां कर देते हैं अप्लाई चलो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, इधर प्लस 9 तो इधर के माइनस 9 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू रूट 7, 16 माइनस 9 तो कितना होता है 7 होता है। क्लियर। अब समझते हैं, हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, कॉस ए और टेन ए, ये लिख देते हैं कॉस ए और यहां लिख देते हैं टेन ए। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, पहले इसकी बात कर लेते हैं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है रूट 7, हाइपोटेन्यूस कितना है 4। इसकी बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पी बाय बी। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि 3 हो गया,
90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया x, और x की वैल्यू हमारे पास मेंशन है √7। अब हमने सीखा था कभी भी डायनोमीटर में रूट को छोड़ते नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका रैशनलाइज कर देते हैं, √7 से मल्टीप्लाई कर दिया और √7 से क्या कर दिया हमने डिवाइड, फाइनली आ गया 3√7 डिवाइडेड √7। √7 कितना होता है 7। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, आंसर में ये वैल्यू सिर्फ इतनी दी हुई थी, फिर भी हमने ज्यादा सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। ओके, मतलब आंसर करेक्ट है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है 15 cot a इक्वल टू में 8, फाइंड करना है साइन a और sec a। ओके, पहली बात की मैं इसको लिख सकता हूं cot a इक्वल टू 8/15। अब cot का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 15, बेस 8 हो गया, तो ये बना दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंगल ले लिया ए, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड 15। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस एक्स मान लिया, तो बेस कितना है 8। ओके, यहां कर लेते हैं अप्लाई चलो पाइथागोरस अप्लाई कर दी, फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर आके बन गया रूट, 15 का स्क्वायर होता है 8 का होता है 64। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये हो गया 982 289, और 289 का रूट होता है 17। क्लियर, अब आ जाते हैं इधर। सबसे पहले बात करते हैं साइन की, साइन का रेशियो का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। परपेंडिकुलर कितना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस जो कि हमारे पास 17। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेक ए, एंगल के सामने वाला, सॉरी सेक का फॉर्मूला होता है एच बाय बी, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है इसमें 17, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हुआ 8। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ओके, इसमें दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू 13/12। sec का फॉर्मूला होता है h बाय b, बेस मिल गया 12 और हाइपोटेन्यूस मिल गया 13, तो ये लगा दिया राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल कितना है थीटा, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर जो कि नहीं है, तो एक्स मान लिया, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस दैट इज कॉल्ड 30, तो बेस कितना ले लिया मैंने 12। यहां कर देते हैं अप्लाइंग, पाइथागोरस। क्लियर, अब हमने सीखा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है 169 एक्स का स्क्वायर प्लस 144, इधर पॉजिटिव है उधर के नेगेटिव, 169 माइनस 144 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 25, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 5, इधर स्क्वायर है उधर के क्या बनेगा रूट, और 25 का जो रूट होता है वो होता है हमारे पास 5। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अब बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले आ जाते हैं कोस के ऊपर, कोस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। देखो इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ये बी बाय एच, देखो एच बाय बी लिखा हुआ उल्टा कर दो, बी बाय एच हो गया। अब आ जाते हैं साइन पर, साइन का फॉर्मूला पड़ा होता है पी बाय एच। ओके, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूस कितना है 13, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। ओके, अगर साइन निकल गया तो इसका अपोजिट फटाफट निकल जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है कोसेक का पी बाय, सॉरी एच बाय पी,
एच हमारे पास 13 है और परपेंडिकुलर कितना है 5, ये निकल गया। अब बात कर लेते हैं टैन थीटा की। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, परपेंडिकुलर बोले तो एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और बेस कितना है 12। देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 का सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो बेस विल बी 12। अगर टेन निकल गया तो इसको अपोजिट हम निकाल सकते हैं कोट की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड बी बाय बी। तो इसको पलट देते हैं 12/5, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। टेन, हाँ आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन लोगों की बात देखो, ये थोड़ा ब्रांड न्यू क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इफ एंगल ए एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूं तो वो एंगल्स होते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ओके, तो सीधा आते हैं मुद्दे पर। इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी और एक लेट कर लिया, तीसरे को मान लिया सी 90 डिग्री। ओके, ये मैंने लेट कर लिया, सी जो है लेट सी इक्वल टू 90 डिग्री। चलो अब समझना, अगर सी 90 डिग्री है तो इन दोनों को मिला के कितना होगा, 90 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये एंगल 1 डिग्री है तो ये कितना हो सकता है 89 डिग्री। क्लियर? तो इससे ये पता चला कि 1 बोले तो एक्यूट एंगल और 89 बोले तो भी एक्यूट एंगल, मतलब मैंने जो फिगर बनाया बिल्कुल करेक्ट फिगर बनाया। अब देखो हमें गिवन क्या दिया, पहले यहां समझ लेते हैं। हमें गिवन दिया हुआ है कोस ए इक्वल टू में कोस बी, क्लियर, और हमें शो दैट करना है एंगल ए इक्वल टू बाय एंगल बी। अब स्टार्ट करते हैं हमसे। सबसे पहली बात, जो गिवन दिया हुआ था कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये हमने कहां से लिया, गिवन से लिया है। क्लियर? अब अच्छे से देखना, देखो वैसे कोस का फॉर्मूला जो होता है ना वो ये होता है, यहां लिख देता हूं कोस थीटा इक्वल टू बी बाय एच। ओके, कोस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, बट एंगल अच्छे से ध्यान रखना। एंगल क्या है हमारे पास, ए है, तो कलर चेंज कर देता हूं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना हो गया ए सी और एच कितना हो गया ए बी। ओके, फिर कलर चेंज, इस बार एंगल क्या है बी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना हुआ बी सी और हाइपोटेन्यूस कितना होगा, हाइपोटेन्यूस तो दोनों में सेम है ए बी। ओके, ए बी से ए बी कट गया तो फाइनली आया ए सी इक्वल टू बी सी। ओके, अब हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, किसी ट्राइंगल में आमने सामने की साइडें बराबर होती है तो आमने सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिम अलग से फिगर बना देते हैं, आमने सामने की साइडें बराबर तो आमने सामने के एंगल्स भी बराबर। ओके, तो यहां से मेरे को पता चला कि जो एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या होगा बी, रीजन सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मीन्स अगर किसी ट्राइंगल में साइड्स बराबर है आमने सामने की तो आमने सामने के एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये हमने प्रूफ कर दिया, देखो यही प्रूफ करना था। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट का फॉर्मूला होता है बी बाय ई, परपेंडिकुलर मिल गया 8, बेस मिल गया 7, एंगल कितना है थीटा ले लिया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज कॉल 8, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस नहीं पता तो x मान लिया, बेस कितना है 7, अप्लाई
हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है इधर क्या हो गया रूट, 8 का कितना हो गया 64, 7 का 49 कितना गया 9 4 13, 13 का 3 कैरी किया 1, तो ये हो गया 113। क्लियर, अब समझना है यहाँ पर पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छे से देखना a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई हो रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये लिख दिया साइन। देखो पावर कितनी भी हो 2 4 6 8 10 12 एंड, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे मैंने यहां कर दिया। अब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है रेशियो का वो होता है पी बाय एच, कॉस थीटा का होता है बी बाय एच, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो 8 बाय हाइपोटेन्यूस कितना था √1130 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस, बेस कितना है हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूस √1130 का होल स्क्वायर। ओके तो ये आ गया 1 माइनस 8 8 64 कैंसिल आउट करा 113 आ गया, 1 माइनस 7 7 49 डिवाइडेड बाय 113। चलो एलसीएम लेते हैं इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 डाल देते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 डाल देते हैं, इसको इससे करेंगे इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 113 माइनस, इसको इससे करेंगे 64 डिवाइडेड बाय, इसको इससे करेंगे 113। अब सेम प्रोसेस में यहाँ फॉलो कर लेता हूँ, इसको ऐसे करेंगे 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113, दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा 49 और इसमें से इसको माइनस करूंगा ये आएगा 64। ओके अब आराम से समझना सेकंड पॉइंट, ये था कॉट स्क्वायर थीटा, इसको ले सकते हैं मैं ऐसा, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया बी बाय पी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस 8, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस तो बेस कितना हो गया 7 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ओके आंसर सही है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने 3 cot A = 4, cot A इक्वल टू 4/3। ओके पर हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों बराबर है, अच्छे से देखना, पहली बात cot का फॉर्मूला होता है बी बाय पी, परपेंडिकुलर 3 बेस मिल गया 4। क्लियर, अब उसके बाद बना लेते हैं एक राइट ट्रायंगल, एंगल दे रखा है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 3 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है नहीं पता, एक्स मान लिया तो बेस कितना है 4, तो फिर वही अप्लाई पाइथागोरस। ओके हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है देन इधर जाके क्या बनेगा रूट, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 प्लस 16 वी विल गेट 25 और 25 का जो रूट है वी विल गेट 5। ओके अब आ जाते हैं इधर, यहां पर ले लेते पहले टेकिंग एलएचएस, इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस
टेन ए की वैल्यू देखो, टेन का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, एंगल के सामने हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी थ्री, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना हो गया 4, तो 3 बाय 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 3 बाय 4 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से करा कितना हो गया 16 माइनस स्क्वायर से करा 9 और स्क्वायर से करा तो कितना हो गया 16, स्क्वायर से करा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16, दिस वन कैंसिल बाय दिस और वन, 16 में से 9 गया तो 7 आ गया, 16 में 9 प्लस करा तो 25 आ गया 25, ओके okay? अब इसका आरएचएस भी निकाल लेते हैं, टेकिंग आरएचएस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पहली बात कोस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला एच, तो बेस कितना हो गया 4, तो ये इसका आंसर हो गया 4 बाय हाइपोटेन्यूस कितना है 5, साइन का होता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर कितना है 3 और एच कितना है 5, तो 3 बाय 5 का होल स्क्वायर, 4 फोर द 16, 5 फाइव द 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 फाइव द 25, डेनोमीटर सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, ये हो गया 16 माइनस 9 तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय 25, आंसर दोनों बराबर आ गए, तो हम लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अपने सामने, इसमें लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी सबसे ओके, और उसके बाद दिया हुआ है टेन ए इक्वल टू 1 बाय रूट 3, टेन का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, बेस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया, तो ट्राइंगल बना लेते हैं, एंगल ए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 1, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस एक्स मान लिया, तो बेस कितना हो गया रूट 3, अप्लाइंग पाइथागोरस अप्लाई करें, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर के क्या बनेगा रूट 1 का स्क्वायर बार रूट 3 का कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 4, 4 का रूट कितना होता है 2, क्लियर। अब आ जाते हैं इधर, पहला पॉइंट हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, तो पहले हम ऐसा करते हैं वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जिनका एंगल क्या है ए, मतलब इन दोनों को पहले निकाल लेते हैं, सही है, जिनका एंगल है, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस और बेस कितना है रूट 3, तो साइन का फॉर्मूला होता है रेशियो का पी बाय एच, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूस कितना है 2, क्लियर। अब कॉस का होता है बी बाय एच, बेस कितना है रूट 3 और हाइपोटेन्यूस कितना है 2, ये मैंने वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस लिए थे जिनका एंगल कितना होता है ए है, ओके 90 डिग्री बी पे था ना, यहाँ पे लिख देते हैं सी, ओके अब वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लेते हैं जिनका एंगल सी है, एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस कितना है 2। अब इसकी बारी, एंगल कितना है कोस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो मिल गया 2 और बेस कितना है 1, तो इसका फॉर्मूला होता है बी बाय एच, तो बेस 1 और हाइपोटेन्यूस 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 4 प्लस ये करेंगे 3 बाय 4, रूट 3 रूट 3 3 होता है 2 टू द 4, जब डेनोमीटर सेम होता है एक बार लिखते हैं 1 प्लस 3, तो ये हो गया 4 बाय 4 वी विल गेट 1, ओके। अब देखो यहां समझते हैं सेकेंड वाला पॉइंट, इसमें लिखा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए
साइन से। ओके समझना, देखो अभी ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये तो यहीं से चीटिंग करके लिख देंगे हम लोग। ओके कॉस ए की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी है, रूट थ्री बाय टू, और कॉस सी सी ये रहा वन बाय टू, माइनस साइन ए की दे रखी है वन बाय टू, और साइन सी की दे रखी है रूट थ्री बाय टू। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री बाय फोर हो जाएगा, ये होगा रूट थ्री बाय फोर। अब ये कितनी बार है, सॉरी मिस्टेक हो गया, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, ये इससे कट गया, फाइनली आंसर आ गया जीरो। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन लोगों के पास ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, देखो 90 डिग्री ना क्यू के पास है, ये बना दिया पी और ये बना दिया आर। ओके अब इसके बाद भी कुछ गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टैन पी, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात कि पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, दोनों में से किसी एक को एक्स ले रहा हूं तो मैं पी आर को एक्स मान लेता हूं, ये कर लिया मैंने लेट कि पी आर को कितना मान लिया एक्स, अगर ये एक्स है एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया 25, पी आर को मैंने कितना माना था एक्स, तो क्यू आर कितना निकल गया, क्यू आर निकल गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। सही है, यहां कर रहे हैं हम अप्लाई पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए और बी इक्वल टू फाइव का स्क्वायर 25, इधर प्लस है इधर क्या होगा, सॉरी गलती होगी एक्स स्क्वायर था, इधर पॉजिटिव है इधर क्या हो गया नेगेटिव, तो यहां पर बचेगा जीरो, यहां पर बचेगा 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 50x प्लस ये हो गया 25, इधर माइनस है इधर आके हो गया ये प्लस 50x, इन दोनों को प्लस करेंगे 650, जीरो से जीरो कट गया। ओके 5 × 5 = 15, तो कितना रुपये कट गया 13। ऐसा करते हैं सबसे पहले तीनों साइड ही निकाल लेते हैं, एक साइड तो हमें पहले से ही पता थी, एक यहां पर निकाल लेते हैं पी आर, पी आर बोले तो एक्स, और एक्स मेरे पास निकल गया 13 सेंटीमीटर, उसके बाद आर क्यू, आर क्यू बोले तो 25 माइनस एक्स, तो दैट इज मीन्स 25 माइनस 13 वी विल गेट 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू हमें दे ही रखा है कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है साइन पी, साइन का फॉर्मूला होता है रेशियो का पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अच्छे से एंगल देखना, पहले एंगल पी दिया है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस आर क्यू और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज बोले तो पी आर, आर क्यू की वैल्यू हमारे पास 12 है और पी आर की वैल्यू 13 है। फिर उसके बाद आ जाता है कोस पी, कोस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया पी क्यू और हाइपोटेन्यूज कितना है पी आर। अब पी क्यू की वैल्यू जो है वो हमें 5 है हमारे पास 5 और पी आर की वैल्यू 13। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेन पी। ओके इसका फॉर्मूला होगा पी बाय बी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बोले तो आर क्यू और बेस कितना है पी क्यू, आर क्यू हमारे पास है 12 और पी क्यू हमारे पास है 5। चेक कर लेते एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो अपन लोगों के पास ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, कि ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन भी बताना है। तो रीजन तो पूछा नहीं जाता वैसे एग्जाम में, तो जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक बताएंगे। इन्होंने बोला है टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन, मतलब टेन ए की वैल्यू हमेशा वन से छोटी होती है। तो ऐसा करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो टेबल था ना एंगल्स का, वो बना लेते हैं। 0 डिग्री, 30, 45, 60 और ये हो गया 90। ओके, 0 पर होती है 0 और ये होता है इंफिनिटी, 30 पर होता है 1/√3, 1 और √3। अच्छे से समझना, इन्होंने बोला है कि tan a का आंसर हमेशा 1 से कम होता है। चेक करें, देखो √3 की वैल्यू होती है 1.7231, ये तो 1 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो बुक वालों ने क्वेश्चन दिया है वो पूछा है वो गलत पूछा है। तो इन्होंने बोला था कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, नहीं, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, फॉल्स हो गया। ओके, सेकेंड देखेंगे हम, इसमें लिखा हुआ है sec a इक्वल टू 12/5। ऐसा करता हूं मैं 12 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 × 10 कितना बचा, 2 बचा, 5 × 4 = 20, 2.4। ओके, आप समझते हैं, ए बी ये रहा एंगल ए और ये लिख दिया मैंने sec a, 0, 30, 45, 60, 90। ओके, तो इसका होता है 1, ये होता है 2/√3, ये होता है √2, ये होता है 2। ओके, और ये हो जाता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 कितना, 0, 1, तो ये होता है इंफिनिटी। ओके, 0, 1, 0, 1, 0, हाँ इंफिनिटी होता है। अब समझना अच्छे से, इन्होंने बोला है कि क्या sec a का आंसर 2.4 हो सकता है, पहले समझते हैं। 0 डिग्री पर आंसर था 1, 30 डिग्री पर आंसर है 2/√3। अगर मैं 2 को √3 से डिवाइड करूंगा तो 1 से बड़ा आंसर मिलेगा। ओके, मतलब एंगल बढ़ता जा रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर ये वाला आंसर ना इससे बड़ा होगा। ओके, क्योंकि रूट टू की तो वैल्यू पता ही है 1.1414। ओके, ये वाला आंसर इससे बड़ा होगा और 2 जो होता है 1.414 से बड़ा है। अब मेरे को एक बात बताइएगा, क्या 60 और 90 के बीच में कोई एंगल नहीं होता है, इनफाइनाइट एंगल होते हैं, 61, 62, 63, 60, मान लेते हैं शायद कोई एंगल होगा इसके बीच में 70 डिग्री, शायद उस पर 2.4 आने की पॉसिबिलिटी है अपने पास। कहने का मतलब है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं sec a का आंसर 2.4 आ सकता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ओके, चेक कर लेते आंसर। थर्ड देखिएगा, cos a इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल a। एब्रीवेशन मतलब सिंपल शब्द में बोला जाता है इसका पूरा नाम। कोस का पूरा नाम हम लोगों ने पहली क्लास में सीखा था, कोसाइन होता है। ओके, बेसिक में तो इन्होंने ये जो नाम होता है ना कोसेकेंट, ये कोसेक का नाम होता है, तो इन्होंने तो ये गलत दे दिया, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, फॉल्स। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखो ये पूछ रहे हैं बुक वाले, जो कॉट ए होता है क्या ये ऐसे बनता है, कोट और ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ओके, ये एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसका नाम कोट है, जिसका एंगल क्या है, अकेला कोट कुछ नहीं होता है, उसके साथ में एंगल लगाना पड़ता है और एंगल लगाना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब छोटी छोटी 2-3 बातें समझनी है कि कभी भी ऐसा लिखाओ तो भी गलत है, ऐसा लिखाओ चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो तो भी गलत है, ऐसा लिखाओ तो भी गलत है, या ऐसा लिखाओ तो भी गलत है।
तो फाइनली हमारा आंसर क्या है? फॉल्स। क्लियर? यही क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड कर दूं 1.333 समथिंग आएगा। ओके, अब हमने एक बात पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट सीखा था साइन थीटा की जो वैल्यू होती है -1 के बराबर होती है, -1 से बड़ी होती है या 1 के बराबर होती है, 1 से छोटी होती है। क्लियर? तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये नंबर इनके बीच में कहीं आ सकता है? नहीं, मतलब ये नंबर इसके बाद में आएगा, 1.33 इसके बाद में आता है 1 के, तो मतलब ये बिल्कुल फॉल्स आंसर है, मतलब साइन थीटा की ये वैल्यू हो ही नहीं सकती। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ओके, अब चेक कर लेते, कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा। ओके, ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई है, मिलते हैं फिर नई नई वीडियो के साथ। ओके चलो।